हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को शोनी ब्लॉग्स में। तो फैमिली, अभी मैं छत पे हूँ। सुबह का सभी काम हो चुका है, हम नहा वहा कर पूजा वूजा करके खाना वाना बन चुका है और मेरा बेटा स्कूल भी चला गया है। आज थोड़ा ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी वही साढ़े ग्यारह हो रहा है शायद। और मैं ऊपर आई हुई हूँ। ऊपर मैं टोनी को खाना देने आई थी। तो आप लोग बोलिएगा ये टोनी कौन है। तो टोनी भी हमारा घर का मेंबर ही है। आइए आपको दिखाते हैं, टोनी से मिलवाते हैं आपको। A few moments later. तो ये मेरा टोनी है, यही है टोनी। हम इसी को खाना देने आए थे। टोनी टोनी टोनी, ये भी हमारा फैमिली का मेंबर है दोस्तों। ये जब एक दिन का था ना, एक दिन, तभी से हम लोग इसको रखे हैं। और ये अभी लगभग 2 साल का हो गया है। ये अभी शैतानी कर रहा है हमको देख के, कपड़ा फाड़ रहा है। टोनी टोनी, तुम्हारा फुटबॉल कहाँ से? फुटबॉल इसका, फुटबॉल कहाँ है? ये ऊपर फुटबॉल भी अपने से खेलता है। इसका फुटबॉल अभी कहाँ है हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। टोनी फुटबॉल कहाँ से? फुटबॉल ये देखिए दोस्तों, एक कपड़ा लेकर भाग रहा है। हमको देखते ही इसका बदमाशी शुरू हो जाता है। टोनी के बड़े को लग रहा है, गुस्सा से कपड़ा फाड़ रहा है, गुस्सा हो गया लग रहा है। हम टोनी को खाना दे चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमारे छत पे कितना सुंदर गुलाब फूला हुआ है। ये पीला कलर का है गुलाब, देखिए। थोड़ा नज़दीक में ले जाके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा गुलाब है, बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, हमारे छत पे रेड गुलाब भी है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, रेड गुलाब, ये देखिए कितना अच्छा खिला हुआ है। ये देखिए दोस्तों, अभी मस्त फूल फूला है। उधर गेंदा फूल भी है, हम लोग तो इसे गेंदा फूल बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दोस्तों कितना अच्छा गेंदा फूल भी है, मस्त फूला हुआ है गेंदा फूल भी। और ये हमारा एलोवेरा का पेड़ है, अभी छोटा सा है।
देख रहे हैं। और ये नींबू का है, ये भी अभी छोटा सा ही है। A few moments later. तो अभी हम टोनी को खाना दे चुके हैं, अब चलते हैं नीचे। आज दोस्तों कुछ शॉपिंग करने जाने वाली भी हूँ मैं, क्योंकि मेरी बेटी के हॉस्टल जाने में कुछ ही दिन रह गए हैं और उसको हॉस्टल में जो जो चीज़ का ज़रूरत है वो ख़रीदने जाने आए। जैसे कि हॉस्टल में पहली बार वो हॉस्टल जा रही है तो उसके लिए ज़रूरत के सामान सब लेना है, जैसे कि अब ब्लैंकेट हो गया और बेड शीट, पिल्लो, वही सब लेने जाएंगे आज। अभी बहुत सारी शॉपिंग करनी है पर आज इतना ही लेकर आएंगे और फिर दूसरा दिन जाएंगे और शॉपिंग करने, ग्रोसरी का सामान सब लेने और दूसरा दिन जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं नीचे, तो आप लोग ब्लॉग बने रहिएगा। ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट है, दिखलाइए ना किस। दोस्तों मेरी बेटी हॉस्टल में जा रही है, उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत शॉपिंग करना है, तो ब्लैंकेट, बेड शीट, यही सब देख रहे हैं। कितना पड़ेगा इसका? ये 4500। देख लो दोस्तों, मेरी बहन आई है दुकानदार में, ब्लैंकेट किनने आई है, ब्रेड सेट, तकिया भी है, पलाशी में क्या बैग पानी है, तकिया भी है, फाइबर का सिरक भी है, बेडशीट भी है, ब्लैंकेट देखो, ब्लैंकेट देखिए बहुत अच्छा है, बहुत गर्म करेगा, बहुत अच्छा है, ले जाइए। देखिए दोस्तों ये ब्लैंकेट कैसा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। देखकर बताते हैं अब हम, तब लेकर बताते हैं दोस्तों। A few moments later. Hey family, मैं शॉपिंग करके घर पे आ चुकी हूँ। अभी कुछ ही देर पहले मैं शॉपिंग करके घर पे आई हूँ और घर पे आकर सबसे पहले फ्रेश होकर और चाय पानी सबको दे दिए हैं। चाय पानी पीकर हम भी अब चले आए पूजा करने, क्योंकि शाम हो चुकी है, शाम के लगभग 6 बज चुकी है, इसीलिए भगवान जी के पास थोड़ा दीप जला लेती हूँ, तो पूजा पहले कर लेते हैं।
पूजा कर लिए हैं गाय। A few moments later, हम लोग खाना खा चुके हैं, सभी लोग खाना खा चुके हैं और सोने चले गए हैं। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट।